ईस्टर्न इंडिया का फर्स्ट एम्यूजमेंट पार्क है निको पार्क। 1991 में 40 एकड़ एरिया लेकर कोलकाता का सॉल्ट लेक सिटी में ओपन हुआ है। टोटल 38 थ्रिल एडवेंचर राइड एंड वाटर पार्क अवेलेबल है निको पार्क में। इसलिए आप अगर कोलकाता आ रहे हो तो एडवेंचर के लिए निको पार्क आपके लिए सही डेस्टिनेशन है। हाय फ्रेंड, मैं सौरभ राज, आज मैं आया हूँ कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल का मोस्ट पॉपुलर एम्यूजमेंट पार्क निको पार्क में। इन दिस वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा आप निको पार्क कैसे आ सकते हो, इधर का एंट्री फी क्या है, अंदर का फूड का चार्जेस क्या होगा और इम्पोर्टेंट कुछ टिप्स भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अंदर आपको क्या क्या राइड करने के लिए मिलेगा वो सब कुछ राइड मैं एक के बाद एक आप लोगों को दिखाऊंगा और मैं करने भी वाला हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो में पूरा बने रहिए और इस वीडियो के बाद बेंगलुरु का मोस्ट पॉपुलर एम्यूजमेंट पार्क वंडरला भी मैं विजिट करूंगा। इसलिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आज का निको पार्क का सफर शुरू करते हैं। से 2020 तक 34 मिलियन से भी ज्यादा विजिटर विजिट किया है निको पार्क में। निको पार्क का लोकेशन कोलकाता का सॉल्ट लेक सिटी में पड़ता है, इसलिए आप कोलकाता का किसी भी जगह से ओला उबेर बुक करके बहुत इजीली आप निको पार्क पहुँच सकते हैं। निको पार्क आने के लिए बस रूट का डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर आप अपना बाइक एंड प्राइवेट कार लेकर निको पार्क आ रहे हो, पार्क का राइट हैंड साइड में पेड पार्किंग अवेलेबल है। बाइक के लिए 50 रुपए एंड कार के लिए 100 रुपीस पे करना पड़ता है। निको पार्क का टिकट आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में मिल जाएगा। टिकट का प्राइस 300 में आपको कुछ लिमिटेड राइड एंड 850 रुपीस में आपको ऑल राइड एंड वाटर पार्क फ्री रहेगा। ऑनलाइन टिकट के ऊपर कुछ डिस्काउंट आपको मिल सकता है, इसलिए निको पार्क विजिट करने से पहले निको पार्क का वेबसाइट एक बार आप जरूर विजिट कीजिए। निको पार्क साल का 365 डेज मॉर्निंग का 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। मेन गेट का लेफ्ट हैंड साइड में ऑफलाइन टिकट काउंटर, आप अगर ऑफलाइन में टिकट बुक करते हो तो आपका एंट्री लेफ्ट साइड एंट्री गेट से होगा। मैंने ऑनलाइन में टिकट बुक किया था, इसलिए मेरा एंट्री राइट हैंड साइड से होने वाला है। एंट्री गेट में आपका बॉडी टेम्परेचर चेक करने के बाद मोबाइल में ऑनलाइन टिकट का रिसीप कॉपी वेरीफाई करवा के आपको एक हैंड बैंड पहना दिया जाएगा। आपको ये बैंड नहीं उतरना है। गेट से आप जैसे एंट्री करोगे आपका राइट हैंड साइड में फैमिली कैजुअल हॉर्स राइड मिलेगा। ये फ्री राइड है, आप अपना फैमिली लेकर ये हॉर्स राइड कर सकते हो। बच्चे के लिए ये अच्छा है, बड़े के लिए अच्छा है। अब चाहो तो आप गाइड कर सकते हो, बच्चों को ये अच्छा लगेगा सबसे। हॉर्स राइड के पास में ही आपको मिरर मजा राइड मिलेगा, ये भी फ्री राइड है। एक घूमता हुआ रोलर के अंदर से आप सीधा जैसे जाओगे आप मिरर भूलभुलैया के पास पहुंच जाओगे। ये बहुत मजेदार है। इधर मैंने 4-5 मिनट तक घूमता रहा, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। भूलभुलैया से बाहर निकलते ही आपको फूड कोर्ट एंड गेमिंग जोन मिलेगा। मैंने इसका विजिट लास्ट में किया हूँ। फूड कोर्ट का पास में ही आपको फ्लाइंग क्यूरोसर राइड मिलेगा। ये 850 वाले टिकट के लिए फ्री है, नहीं तो आपको 40 रुपीस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और इसके पास में ही आपको फेमस स्काई ड्राइव करने के लिए मिलेगा। 850 वाले टिकट के लिए ये राइड फ्री है और आपके पास अगर नॉर्मल टिकट है तो इसके लिए आपको 100 रुपीस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये बहुत मज़ेदार राइड है। आपको येलो वाले सीट में बैठना है। फिर आपको ये ऊपर ले जाएगा और ऊपर से नीचे छोड़ देगा। वाह,
पे देखी। होल्ड कर दिया। स्काई डाइव के पास ट्विस्ट एंड टर्न राइड है, ये भी 850 वाले टिकट के लिए फ्री है, नहीं तो आपको 30 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये भी बहुत मजेदार राइड है। ट्विस्ट एंड टर्न राइड के पास आपको स्ट्रीकिंग कार राइड मिलेगा, ये भी 850 वाले टिकट के लिए फ्री, नहीं तो आपको 70 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। स्ट्रीकिंग कार के पास आपको बुल राइड भी मिलता है। बुल राइड के ऑपोजिट साइड में आपको शॉर्ट द भूत गेम राइड मिलेगा, ये भी 850 वाले टिकट के लिए फ्री है। आपको एक घूमता हुआ फ्लोर चेयर में बैठ के अपना गान देकर भूत को शूट करना है। ये हो गया बंद। मेरा स्कोर है 1520। आपका स्कोर कितना होता है आप कमेंट में जरूर बताइए। निको पार्क में आपको एक्वा वाटर भी मिल जाएगा, आप चाहो तो अपना बॉटल में पानी भर सकते हो। आपको इधर भी एक फ्री राइड मिलेगा, यहाँ से आप सीधा जाओगे तो आप मून रैकर के पास आ जाओगे। मून रैकर राइड 850 वाले टिकट के लिए फ्री है, नहीं तो आपको 40 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसका राइड भी आप कर सकते हो। मून रैकर के पास आपको लेजी रिवर राइड मिल जाएगा, ये 850 के लिए फ्री है, नहीं तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेजी रिवर के पास चिल्ड्रन कॉर्नर है, चिल्ड्रन को बहुत सारा प्ले एक्टिविटी करने को मिलेगा। चिल्ड्रन का ये सब राइड बिल्कुल फ्री है। चिल्ड्रन कॉर्नर के पास आपको क्यूरिसर राइड मिलेगा, ये भी 850 के लिए फ्री है, नहीं तो आपको 30 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इस पे आपको एक वुडन टाइप का एक कार में बैठा दिया जाएगा, ये कार एक रेल के ऊपर चलता है। ये राइड भी आप कर सकते हो, ठीक ठाक ही है बट इतना मजा नहीं आ रहा है। क्यूरिसर के बाद आप एक ब्रिज क्रॉस करके जैसे आप सीधा जाओगे आप पैडल बोटिंग पॉइंट के पास आ जाओगे। आप चाहो तो निको पार्क लेक में बोटिंग कर सकते हो। बोटिंग पॉइंट का ऑपोजिट साइड में ही आपको पैरेट सीप राइड मिलेगा,
ये बिल्कुल फ्री राइड है, आप चाहो तो ये राइड एंजॉय कर सकते हो। थोड़ा और आगे चलते ही आप रिवर केप के पास पहुंच जाओगे। इधर आर्टिफिशियल रिवर बोट में चढ़ के केप के अंदर जाना है। रिवर केप 850 वाला टिकट के लिए फ्री है, नहीं तो आपको 80 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। केप के अंदर आपको डायनासोर, मॉमी, पिरामिड, गौतम बुद्ध, रोबोट ये सब देखने के लिए मिलेगा। ये राइड आपको बहुत पसंद आएगा। रिवर केप का बाहर वाले रास्ते में ही आपको निको पर गिफ्ट आइटम शॉप मिलेगा, आप चाहो तो इधर से गिफ्ट आइटम परचेस कर सकते हो। निको पार्क के अंदर आउटसाइड फूड अवेलेबल नहीं है, इधर आपको फूड स्टॉल बहुत मिल जाएगा, आप चाहो तो इधर फास्ट फूड खा सकते हो। थक गया, 7-8 राइड हम लोग कर लिए और बहुत सारा एक्टिविटी भी हम लोग देख लिया। आपको इधर भी ऐसा बैठने के लिए भी जगह आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा सा बैठ कर रिलैक्स हो सकते हो। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा हूँ, फिर थोड़ी देर में आपको और जो जो बाकी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रिवर केप वाले रास्ते से आप सीधा जाओगे तो आप रोलर कोस्टर साइक्लोन राइड के पास आ जाओगे। अभी निको पार्क का एक मजेदार राइड करने वाले हैं, साइक्लोन राइड, नाम ही इसका साइक्लोन है। चलिए जाकर देखते हैं कि ये कैसा है। साइक्लोन राइड निको पार्क का काफी फेमस राइड है। ये राइड आपके लिए काफी एडवेंचर एंड थ्रिल राइड होगा। Thank you.
साइक्लोन राइड के बाद मैंने निको पार्क में वाटर एक्टिविटी करने के लिए गया था। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, इसलिए मैंने वाटर पार्क का वीडियो अलग से बनाया हूँ। वाटर पार्क का लिंक ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हूँ। साइक्लोन राइड के बाद आप क्रेजी टी पार्टी राइड कर सकते हो, ये भी बिल्कुल फ्री राइड है। टी पार्टी राइड वाले रास्ते पे आप थोड़ा आगे जाओगे तो आप केबल कार के पास आ जाओगे। केबल कार के लिए आपको थोड़ा पैदल ऊपर चढ़ना पड़ेगा। केबल कार 850 वाले टिकट के लिए फ्री है, नहीं तो आपको 70 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इको पार्क में वाटर एक्टिविटी करने के बाद आप रोप वे में चढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इधर से पूरा पार्क को बहुत अच्छी तरह से पूरा वॉच कर पाओगे। केबल कार राइड के पास में ही आपको वाटर चार्ट राइड मिल जाएगा, ये भी बहुत मज़ेदार राइड होता है। टॉय ट्रेन राइड आज का सफर का मेरा लास्ट राइड है। ये राइड भी बिल्कुल फ्री राइड है। शाम हो गया था इसलिए वीडियो अच्छा से नहीं कर पाए। ये ट्रेन आपको पूरा निको पार्क एक बार घुमा के लेके छोड़ देगा। सबसे एंड में मैंने विजिट किया था फूड कोर्ट एंड गेमिंग जोन में। बच्चों के लिए बहुत सारा वीडियो गेम एक्टिविटी करने को मिलेगा एंड आप इधर फास्ट फूड भी ट्राई कर सकते हैं। आज का सफ़र यहाँ पर ख़त्म करते हैं। निको पार्क वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।